चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चीत दे, भजो राज श्यामा श्री प्राण सखी जीवन हमारा ए सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती कहे ए मोमिनो भयाचर्चा काबख अब तुम सुनियो चीत दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। फिर श्री महाराजे देखिया पट जो तारतम, अब व्यवहार छूटत मुझसे जाग खड़ी आतम, जाग खड़ी आतम। मऊ से ती पर नामिने अक्षरातीत। ये बीतक साहेब के घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रमों को जोड़ते हुए कल हमने मऊ के अंदर श्री जी का मिलाप छत्रसाल जी शाकुंडल से हुआ। वैसे तो ये प्रसंग हमने परसों सुन लिया था, लेकिन कल हमने विस्तार से सुना। के प्रथम से हमने पूरी बीतक सुनी, कैसे सुंदरबाई इंद्रावती का मिलन हुआ, धनबाई और इंद्रावती का और सुंदरबाई का, और वहां से लेकर हमने पन्ना जी तक अंतिम श्री जी और शाकुंडल के मिलाप को भी हमने कल सुना। और कल हमने तीन प्रमुख प्रसंग को सुना कि सबसे पहले मिलाप होते हैं, उसी के बाद धीरे धीरे पहचान बनने लगती है, और जब धनी की पूर्ण पहचान हो जाती है, हमारे धाम दिल में युगल स्वरूप की छवि अखंड हो जाती है, उसी के बाद हमारे अंदर न्योछावर कुर्बानी आती है, तब जाके समर्पण किया जाता है। और कल हमने इंद्रावती का मिलाप कैसे हवसा में हुआ था, और उसी के बाद जब आगे इंद्रावती ने जी एक जागणी का उत्तरदायित्व, एक कार्य अपने शीर पर ले लिया, और आगे जाके धाम धनी ने महामती और प्राणनाथ अक्षरातीत, और वो महामती को ही 14 लोक अखंड करने की शोभा मिली। ऐसे आज हम छत्रसाल जी की
जो रहनी और धाम धनी के प्रति अपना समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, अपना त्याग, मुख्य प्रसंग त्याग आज हम सुनेंगे। और कल के प्रसंग में हमने श्रीफल का प्रतीक मानकर हमने क्या आगे उसी माध्यम से क्या सुना कि हमारा सिर एक बार धनी के चरणों में झुक गया, हमारा अहम पूर्णतया बस समाप्त हो जाए, हमारे अंदर कोई खुद ही ना बचे। जिनका टूटिया हो अंतस्करण, तब जाके धनी की पहचान होती है। जिनका टूटिया हो अंतस्करण, जिसका अंतस्करण यहां से टूट जाता है पूर्ण रूप से, साथ जी साफ हुए बिना, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। हमारा अंतस्करण जीव का ये दिल जब तक पवित्र नहीं होगा, तब तक धनी की शोभा कैसे हमारे धाम दिल में, आत्मा के धाम दिल में बस पाएगी। कल हमने छत्रसाल जी की जो पहचान हमने कल देखी, अभी तो प्रारंभिक है, आगे आज हम सुनेंगे। और अगली चौपाई में बताया कि फिर श्री महाराजे देखिया पट जो तारतम, अब बेहवार छूटत मुझसे जाग खड़ी आतम। कल हमने इस चौपाई पर विस्तार से इस प्रसंग को सुन लिया कि कैसे छत्रसाल जी जब विजय प्राप्त कर से अफगान से प्राप्त करके अपने मऊ राज दरबार में पहुंचे और श्री जी ने पाताल से लेकर परम धाम तक की पूर्ण जानकारी, पूर्ण पहचान करवाई। और अभी हमने पूर्व किरंतन सुना, देख तू निश्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल, कैसे छत्रसाल की अंत चक्षु, आत्म चक्षु खुली। और हमने ये किरंतन में सुना, कौन जिमी में तू खड़ी, कौन जिमी में तू खड़ी, काहे तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन, देख तू निसबत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल, ते तेरे कानों सुने हक बका के बोल, देख तू निसबत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। यहाँ धाम धनी ने भी छत्रसाल जी के अंदर बैठी हुई शाकुंडल को क्या पहचान करवाई कि तेरी निस्बत कौन है, तू मूल मिलावे की ओर तो दृष्टि कर, तेरा असल तन कौन जिमी में तू खड़ी। अरे अब तू इस छोटे से बुंदेलखंड का राजा बनकर एक छोटा सा साम्राज्य, एक छोटे से पूरे राज दरबार का एक मालिक बनकर तू सर्वे सर्वा, इतने को क्या अपना मानकर बैठी हो। आगे क्या बताए, कौन जिमी में तू खड़ी और कहाँ है तेरा वतन, तेरा वतन तो कहाँ पर है, ये तेरा घर नहीं है,
तेरा घर तो हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार दिव्य परम धाम और रंग मोहल मूल मिलावे में तेरी परातम बैठी है। परातम को लेके विलसिय संग खसम, हे साकुंडल तेरी परातम की ओर तो दृष्टि कर। कौन खसम तेरी रूह का, अरे यहाँ कोई तेरी पत्नी नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई रिश्तेदार में माता पिता नहीं है। तेरा असल परिवार असल संबंध अखंड अनादि संबंध तो दिव्य परम धाम श्री राज्य से है। कौन असल तेरी रूह का धनी कौन है, प्रियतम कौन है, ये प्राणनाथ अक्षरातीत देखो वो सामने बैठे वो है, समझाने वाले भी धनी है और याद कहाँ के दिला रहे हैं साकुंडल को कि देख कौन खसम तेरी रूह का, तेरी आत्मा के मालिक खाविंद कौन है, ये अक्षरातीत प्रियतम एक स्वरूप तो श्री जी के अंदर बैठा ही हुआ है वैसे ही आवेश स्वरूप, लेकिन मूल स्वरूप क्या विराजमान है परमधाम में मूल मिलावे में, तो वहां बता रहे कि देख और कौन असल तेरा तन। असल मूल मिलावे में जो तेरा परात्म नूरी स्वरूप बैठा है, कैसे श्रृंगार नूरी श्रृंगार करके बैठा है, कैसे एक मेला होए के बैठी है वाहदत के सागर में। इतना नहीं सबका एक रंग एक समान नूर एक समान साड़ी की शोभा है, तो अनेक रंगों की वस्त्र आभूषणों की शोभा, लेकिन वहां वाहदत के एक स्वरूप होए के एक मेला होए के बैठी है, लगता है कि एक ही सखी बैठी है लेकिन 12,000 ब्रह्मात्मा एक स्वरूप बनकर बैठी है। तू इसी को तो देख, तू कोई ये पंच महाभूत के कोई छत्रसाल नाम के राजा थोड़ी है, ये बुंदेलखंड का ही सिर्फ साम्राज्य नहीं तेरे को दिया है, तेरे को तो परम धाम के सिंहासन पर धाम धनी ने बिठाया है, तो उधर की ओर तेरी शोभा को तो देख। तू यहाँ की एक सिर्फ एक प्रदेश की एक राज्य की शोभा लेके तुमने ये सर्वसर्वा मान लिया है, ये किसको समझा रहे धाम धनी, हम सबको, वैसे तो साकुंडल को बता रहे लेकिन हम सबको, हमने भी यही ये पूर्ण रूप से बस यही घर यही परिवार ये सब कुछ है। और एक किरण तन और भी वाणी में धामधनी ने बताया, आंखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम, तू अंतर चक्षु खोल के अपने धाम हृदय में इस अक्षरातीत को इन धनी को देख। तो यहां धाम धनी ने शाकुंडल की पहचान के माध्यम से हम सब सुंदर सात को बता रहे कि सुंदर सात जी तुम्हारा अनादि घर अनादि निष्बत अनादि प्रियतम परम धाम है, यहां पर नहीं है। और आगे मऊ से ती पर नामी ने, अब श्री जी कहां पहुंचे आज, कल तक हम मऊ सहानिया में थे, आज श्री जी पन्ना पहुंचे। और हम गौरी में भी गाते हैं, प्राणनाथ मन भाए अलिमोही, प्राणनाथ मन भाए, प्राणनाथ मन भाए अली मोही, प्राणनाथ मन भाए, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए, विंध्याचल पर्वत के ऊपर
और अगली लीला में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ हम ये चौपाई को गा लेंगे। घूमट बंगला बनियो है धनी जी को, हिरन तखत धराए, प्राणनाथ मन भाए अली मोही, प्राणनाथ मन भाए। और कल के प्रसंग में हमने और परसों भी सुना, विष की नदिया अमृत कीन हो, सुख सबन पहुँचाए, विष की नदिया अमृत कीन हो, सुख सबन पहुँचाए, भजन किरांतन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए, प्राणनाथ मन भाए अली मोही, प्राणनाथ मन भाए। धाम धनी ने इस गौरी के माध्यम से आगे सुनिए क्या बताया। विंध्याचल पर्वत जिसकी साक्षात धर्म शास्त्रों में दी गई थी कि पद्मावती केन शरदे विंध्याचल पर्वत पुष्टे विराजिते, इंद्रा नाम सा देवी भविष्यति कलयुगे। क्या बताया? पद्मावती केन, जो आगे हम छत्तरपुर की ओर जाएंगे ना तो बीच में क्या पड़ती है, जो एक रिवर केन नदी पड़ती है ना, तो क्या बताया कि पद्मावती केन शरद दे। और पद्मावती मैंने परसों चर्चा में ले लिया था कि जो वेसेली ये किलकिला नदी बह रही थी वो पद्मावती लक्ष्मी जी के रूप में ही बह रही थी, और उसका और गंगा जी का जब झगड़ा हुआ था तो ये मैंने परसों प्रसंग में ले लिया था। तो पद्मावती, सामने पद्मावती के मंदिर भी है जहाँ किलकिला नदी बह रही, सामने पद्मावती के मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर भी बना है। तो यहाँ विंध्याचल पर्वत बुंदेल खंड, और आगे आएगा चर्चा में बुंदेल खंड का भी, तब हम विस्तार से लेंगे, यहाँ प्रसंग अनुसार आगे बढ़े। पद्मावती केन, और जो केन नदी छतरपुर और पन्ना के बीच में बह रही है, तभी तो पुल भी नहीं था, आज जो ब्रिज बना है। छत्रसाल जी जब घोड़ा लेकर, भले भाई को लेकर श्री जी के पास, मैंने प्रथम दिन बता दिया था, जब आए मिलने के लिए, तब वो केन नदी दोनों किनारे पूरी तेज बहाव में, जब अषाढ़ का मास था, चल रही है, और ये पार करके धनी के पास छत्रसाल जी मिलने के लिए पहुँचे थे। तो यहाँ बताया पद्मावती केन शरद दे विंध्याचल पर्वत पुष्ट दे। और गौरी में भी हमने सुना कि विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए, कैसा हमारा पद्मावती पन्ना जी धाम। और घूमट बंगला आगे की लीला में हम जब 11 साल 10 साल तक लगातार ये लीला चलती रहेगी, तो इस लीला में आगे हम अष्टपहर के माध्यम से ये सुख लेंगे, ये आनंद में हम डूबेंगे। और विष की नदियां अमृत किन्हो, धाम धनी के दाहिने अंगूठे को धोकर कैसे अमृत और सब सुंदर साधनाएं, सकल समाज और रसोई बनाई। और झंडा गाड़िया प्रेम का चौदिस पीयू पीयू होए, ना जानो इन झुंड में कौन सुहागिन होए। झंडा गाड़िया प्रेम का चौदिस पीयू, यहाँ झंडा एक जाहिरी रूप में लेंगे तो मूल स्वरूप ने निश्चित कर लिया था कहाँ तक की भूमि, पन्ना जी तक की, कि जब पन्ना जी पहुंचेंगे तो अंतिम हमारा जागनी का झंडा, वहां से आगे नहीं जाएंगे। इतने प्रदेश, इतने राज्य प्रांत, इतने देश घूमते घूमते जब पन्ना जी विंध्याचल पर्वत पर पहुंचेंगे, फिर आगे
नहीं जाना है। तो वहां झंडा गाड़ दिया। ये तो एक हमने चर्चा के माध्यम से समझ लिया, लेकिन क्या झंडा आगे जो वाणी उतरती जाती थी, और पन्ना जी में भी खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की और मार्फत क्यामत तक की जो आखिरी मार्फत की वाणी उतरने वाली थी, तो ये वाणी फिर कहां से प्रसरने वाली थी? ध्यान से सुनिए, ये वाणी कहां से प्रसरने वाली थी? झंडा गाड़िया प्रेम का 14 पीओपी हुए, 14 मतलब चारों दिशा, चारों कोने, धरती और आकाश, और 14 मतलब दसों दिशाओं में ये वाणी का प्रचार। झंडा सिर्फ वो कपड़े का झंडा हो, और अभी वहां भी हमने जब पन्ना जी में प्रवेश करते बाईजूरा जी मंदिर से हम आगे जाते क्षेत्र मंदिर, पहले जो चौक पड़ता है वो चौक में भी एक झंडा गाड़ा है ना हमारा, और हम गुम्मर जी में जाएंगे तो गुम्मर जी और बंगला जी के बीच में भी एक, मैं एक एक याद इसलिए दिला रही हूँ कि आज आप सिर्फ इतने सुंदर साथ सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन वीडियो के माध्यम से बहुत से सुंदर साथ सुन रहे। ये छोटी छोटी बातों की जब पहचान होगी और पता चलेगा, तो जब पन्ना में जाएंगे तो अपने अंदर भाव जगेगा, एक एक स्थान के महत्व का, गरिमा का, वो ध्यान से गौर से देखेंगे कि ये झंडा तो एक श्री जी ने गाड़ी दिया, मैं किस झंडे की बात कर रही हूं? ये ज्ञान रूपी झंडे के अंतिम हमारी वाणी में पूर्ण हुई, और ये वाणी शोभा भी किसको दी थी? ध्यान से सुनिए, शोभा ये ज्ञान फैलाने की किसको दी? अंतिम धामधनी मूल स्वरूप ने पहले महामती को दी, ठीक है, श्री जी को, इंद्रावती की आत्मा को, के शोभा सिंगार सारी में भेख तुम्हारो लियो। फिर ये महामती की शोभा लालदासी को मिली बीतक लिखने के समय। फिर जब ये स्वरूप नूरी स्वरूप गुम्मट जी के नीचे तह खाने में जुल्ले पर नूरी स्वरूप से गहन समाधि में डूब गए, विराजमान हो गए, और आज भी महामती के धाम दिल में ये पांचों शक्तियां विराजमान होकर जो लीला कर रही है, और इन देहुरी की चुम सिखा, क्या देहुरी, ये महामती का धाम दिल वाली देहुरी, तो वहां से जो जागनी का काम हो रहा है कैसे, फिर जाहिर में तो छत्रसाल जी को काम सौंपा कि महाराज जी मैं जाहिर में देखत हूँ एक तुमको, तीस स्वास्थ्य सेवा साथ की सौंप चलते हम, साथ सौंपिया श्री राज को जाहिर में श्री महाराज, अब सुरत फिरी हमारी धाम को, जाहिर में तो छत्रसाल जी को सौंपा, लेकिन बातूनी में राज जी ने क्या बताया सिंगार ग्रंथ के प्रकरण के माध्यम से दूसरे, क्या हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, मोमिन दिल आई के अर्ज कर बैठे खसम, तो बातूनी में एक सुंदर साथ के दिल को धाम बनाकर धाम धनी बैठ गए, और सब सुंदर साथ को जो छठा दिन प्रारंभ हुआ, छत्रसाल को तो जाहिर में सौंपी, लेकिन छठा दिन प्रारंभ हुआ तो सब सुंदर साथ को धाम धनी ने ये सिखापन दी कि तुम्हारा सबका कर्तव्य बनता है कि एक सुंदर साथ से दूसरे, दूसरे से तीसरे में ये वाणी का प्रचार प्रसार होगा। तो यहाँ क्या बताया, 14 पीयू पीयू होई, तो ये वाणी पन्ना से फिर श्री जी ने जो जो कार्य सोपा लालदासी को, मुकुंददासी को, केशवदासी को, छत्रसाल जी को, गोवर्धन भाई को, और बाद में अलग अलग स्थानों में भेज दिया। फिर छत्रसाल जी ने फिर तेजस्वी बाबा के साथ वो पहले केसर बाई को जामनगर भेजा, तो ऐसे ही जागनी के कार्य वहां से फैलना शुरू हो गया। तो यहां क्या बताया, झंडा गाड़िया प्रेम का 14 पीओपी हुई, तो चारों ओर ये वाणी सिर्फ निजानंद संप्रदाय के लिए थोड़ी आई है कि एक सब मत पंथ चल रहे ऐसे भी हमारे एक मत पंथ में ये सीमित रह जाएगी। ये वाणी गर्जत माज संसार, ये वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़ मति न जाने विचार, महामती कहे
पुकार पुकार ये वाणी पूरे संसार में गर्जना करेगी, क्योंकि धाम धनी ने बोल दिया ने सुख शीतल करूं संसार, तो चौदिस पियू पियू होई ना जानो इन झुंड में। झुंड क्या कहा गया, कहां पर, क्या सिर्फ पन्ना जी वहां थोड़ी सब आत्माएं, हाँ ठीक है तन छोड़ने के बाद तो सब वहां ही आएंगे, लेकिन अब ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है तो सब जगह पहले तो ये वाणी फैलेगी, सब पहचान करेंगे, फिर बाद में सब पन्ना जी में लीला होगी। तो यहां धामधनी ने सुंदर सा जी सिर्फ पन्ना की इतनी विस्तार से लीला बताई। वैसे तो आगे हम एक एक चौपाई पे धामधनी क्या बता रहे, जब हम पन्ना में पहुंचे तब जो सुंदर साथ श्री जी छोड़कर गए थे, बूढ़े महिला और वृद्ध लोगों को बच्चे को, तो वहाँ सुशीला महारानी जी बाजूराज जी सबने वह आपस में धाम धनी की, अपने प्रियतम की, धाम की सब बातें की। और इतना नहीं, जब श्री जी आने के बाद बाजूराज जी ने श्री जी को, श्री जी की जो पूर्ण पहचान की और अपना तन मन जीव आत्मा श्री जी के चरणों में समर्पण कर दिया। किस स्तर पर पहचान कर ली सुशीला महारानी ने, मजली रानी ने, उसने भी एक अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप में पहचान कर ली मजली रानी ने। और आगे धामधनी ने बताया कि वहां से थी सेवा करी तब, और मजली रानी को देखकर अपने परिवार के लोगों ने भी, मजली रानी को देखकर अपने परिवार के लोगों ने भी पहचान की, कहीं और सुंदर साध भी जुड़े और तारतम ज्ञान ग्रहण किया। और जब छत्रसाल जी, अभी आगे की लीला प्रसंग अभी शुरू हो रहा है, कि जब छत्रसाल जी मऊ से पन्ना में पहुंचे, आके सीधे कहां पहुंचे, अमराई घाट किलकिला नदी के तट पर किनार पर, वहां जब सब सुंदर 7-5 हजार की जमात ठहरी थी, जब आके श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, अपना सिर श्री जी के चरणों में रख दिया और अंदर से क्या भाव लिया छत्रसाल जी ने, कि धनी आज मैं मेरा अपना सर्वस्व आपको सौंप रहा हूं, ऐसा करो अब मेरा पूरा सर्वस्व शरीर, मेरा तन मन जीव आत्मा अब आपका है, आप चाहो वो करो, जैसे जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, जैसे करना हो आपके आदेश के अनुसार ये मेरा तन काम करेगा, ऐसे आपके आदेश के अनुसार ही ये सेवा मैं करूंगा। और जब पन्ना जी, जब छत्रसाल जी पहुंचे, तब श्री जी के भोजन का समय था, इसी समय सब सुंदर साथ रसोई की तैयारी में लगे थे, कोई बड़े बड़े कपड़े लेकर कन्नाते खड़ी कर रहे थे, ठाड़ी कर रहे थे, श्री जी के लिए भोजन की व्यवस्था करवा रहे थे। उसी के समय श्री जी भी स्नान करके वहां बस भोजन की तैयारी के लिए वो भी श्री जी भी खड़े थे, उसी समय छत्रसाल जी का आना हुआ, कहां से, मऊ से। और आके जब श्री जी भोजन कर रहे थे ने, और बाईजूराज जी अलग अलग मेवा मिठाई वानगिया जो भी बनवाया था वो आके लेके आके श्री जी के पास परोस रही थी, और सखिया भी सेवा में लगी थी, तो छत्रसाल के साथ और भी 3-4 व्यक्ति थे, आके श्री जी के पास बैठ गए और श्री जी ने भोजन कर लिया। और जब भोजन कर रहे थे ने, उसी समय छत्रसाल जी ने श्री जी की थाली में प्रसाद लिया,
और व्यक्ति ने भी प्रसाद लिया, क्योंकि सब ने पहचान कर ली थी किस स्वरूप में, यही अक्षरातीत है, यही धनी श्री धाम, यही पूरे मनोरथ काम, बस यही मेरे अक्षरातीत है, बस चर्चा सुन ली और सब सेवा में लग गए, अपना पूर्ण समर्पण कर दिया। तो वहां और राज दरबारी लोग उसी साथ में बलदीवान चाचा भी खड़े थे, उसी के अंदर अज्ञान रूपी दज्जाल राक्षस बैठ गए। उसी से सहन नहीं हुआ, क्या सहन नहीं हुआ कि अरे हमारा भतीजा ये छत्रसाल एक महात्मा वैरागी के चरणों में, राज दरबार के लोगों को भी ये स्वीकार नहीं था कि छत्रसाल जी एक महात्मा वैरागी के चरणों में झुक जाए, इतना नहीं पूरा प्रेम समर्पण और त्याग की भावना से झुक जाए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ झुक जाए, इतना नहीं उस थाली में भोजन प्रसाद भी ले ले, ये उसी के दिल में सहन नहीं हुआ। किसी के दिल में और राज दरबारी लोग भी थे और बलदीवान चाचा के दिल में भी ये सहन नहीं हुआ। और उसी समय छत्रसाल जी ने क्या दिखाया कि तुम जितना भी करो, लेकिन मैंने जो पहचान कर ली है ने इस स्वरूप की, तो मैंने संसार की लाज मर्यादा जो लज्जा शर्म है बस मैंने ठुकरा दिया है, और उसके परिवार के और लोग भी जुड़ते हैं इसी समय। और वो समय कैसा था सुंदर सा जी, विक्रम संवत 1740 का था, जब श्री जी पन्ना में पहुंचे वो समय विक्रम संवत 1740 का था। उसी समय जब छत्रसाल जी ने पहचान की है, ये पहचान कैसी है ये धामधनी आगे बता रहे हैं कि अक्षरातीत सचिदानंद पर ब्रह्म मेरी प्राणों के प्रीतम, अंदर से एक क्या छत्रसाल जी के अंदर क्या इस समय घटित होते होगी अंदर से, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे कब आओगे, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे कब आओगे, मेरे प्राण प्रीतम मेरे प्राण प्रीतम मेरे प्राण वल्लभ कब आओगे कब आओगे। छत्रसाल जी क्या पुकार कर रहे हैं अंदर से, श्री जी तो सामने है, मतलब एक पीड़ा वाली पुकार, एक आह कि धामधनी जो सामने आप स्वरूप से खड़े होने, बस वो स्वरूप मेरे धाम दिल में, हे प्राण प्रियतम, हे प्राण वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्राणेश, हे प्राण घन, बस वही स्वरूप मेरे धाम दिल में बस अखंड हो जाए। कब आओगे मतलब, हे धनी मेरे धाम दिल में कब विराजमान हो जाओगे, मेरे धाम दिल में ये छवि कब अखंड कर लोगे कर दोगे, तो यही पुकार है छत्रसाल जी की, यही पहचान की। और आगे धामधनी ने बताया कि जब से सृष्टि बनी, जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज दिन तक जो महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी की जो पहचान की एक परब्रह्म के स्वरूप में, ये अभी तक इस संसार में कई अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर, संत, मनीषी, तपस्वी,
कई ज्ञानी जन, कई लोग आए, किसी ने नहीं की है और आने वाले समय में कोई करेगा भी नहीं, कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि महाराज छत्रसाल जी ने इस ब्रह्मांड में एक अक्षरातीत परब्रह्म ने कि परब्रह्म के स्वरूप में पहचान कर ली है। ये साक्षात तुम अक्षरातीत हो, हम चिन्हे तुम्हें बनाए। किस स्वरूप में? अक्षरातीत के स्वरूप में। और इस संसार में हमने कई संबंधों को भी देखा है, आरुणी हो, एकलव्य हो, उपमन्यु हो, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, वैसे कृष्ण हो, ऐसे कई हमने संबंध को निभाते हुए देखा है कि कोई गुरु शिष्य का हो, कोई भगवान भक्त का हो, मान लो भगवान भक्त में प्रहलाद और विष्णु का हो, ऐसे ध्रुव और विष्णु का हो, तो कई संबंधों को हमने देखा है। लेकिन वो सबने गुरु शिष्य का संबंध निभाया, किसी ने भगवान और भक्त का बीच में दूरी रही। एक रस जो एक ऋग्वेद का कथन है ने, यदग्ने श्याम अहम त्वम वाधा श्याम अहम तम वाधा, मतलब हे परब्रह्म जो तू है वो मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वो तू हो जा। एक रस एक रूप छत्रसाल जी ने जो पहचान की है, किस स्तर पर, किस संसार में बीच में भगवान भक्त को अपनी बराबरी का नहीं बनाया, गुरु ने शिष्य को अपनी बराबरी का नहीं बनाया, गुरु गुरु रहे शिष्य शिष्य रहे। यहाँ क्या बताया? ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तदोगत। एक बार आग में लोहे को डालो, लोहा जब एकदम गर्म हो जाता है तो आग और लोहे में कोई तफावत भेद रहता नहीं, दोनों का एक ही स्वरूप बन जाता है। वैसे यहां क्या बताया कि एक स्वरूप राज जी ने अपनी आत्माओं को अंग माना, अभिन्न अंग माना, अलग नहीं है, वो संबंध तो दूरी का है। तो छत्रसाल जी ने जो पहचान की उसी के बराबरी यहां किसी ने नहीं की है। और छत्रसाल का जो त्याग है, समर्पण है, ये भी आज हम देखेंगे कई धर्मशास्त्रों में, त्याग समर्पण निष्ठा सेवा वाली बहुत सी बात बताई है। लेकिन छत्रसाल ने जो एक परब्रह्म के चरणों में त्याग समर्पण और जो सेवा की है, प्रेम से रिझाने की, उसकी बराबरी इस ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी कोई नहीं करेगा। इतना नहीं, आज हमारा 400 हमारी 400 साल की परंपरा में जब श्री जी पन्ना के अंदर पहुंचे, 5000 की जमात थी, ये 5000 की जमात में भी शिरोमणि अग्रग्रणी अमीरुल खासल खास जो मोमिन कहा गया हो, तो छत्रसाल जी को, क्योंकि सब ब्रह्मात्माओं में भी शिरोमणि महाराजा, राजा नहीं, अभी आगे देखेंगे, महाराजा की शोभा किसने दी? छत्रसाल जी को श्री राज जी ने, धाम धनी ने दी। और जब इतनी लीला पूर्ण हुई, बाद में श्री जी ने और जो सब सुंदर साथ श्री जी सहित सब सुंदर साथ अभी तो अमराई घाट किलकिला नदी पर है, वहाँ घाट पर है, तट पे है। अभी छत्रसाल जी अपनी चोपड़े की हवेली, हम सब सुंदर साथ पन्ना जी जाते हैं, वहाँ से जंगल में जो चोपड़े की हवेली, वहाँ भी हमारा राज जी का मंदिर बना है। तो जब चोपड़े की हवेली से सुखपाल लेकर छत्रसाल जी अपने राजकुंवर श्री सुशीला महारानी सब आए और सुखपाल में श्री जी को बिठाया,
और बिठा के अपने कांध पर एक की ओर महाराजा छत्रसाल जी है, सुंदर सा जी पहचान देखो, एक की ओर महाराजा छत्रसाल जी राजकुंवर, एक की ओर सुशीला महारानी ने भी कांध दी और कितना उत्सव के साथ आनंदित आनंद में भाव विभोर बनकर इस आनंद मग्न होकर प्रेम में डूबे हुए इस सुखपाल को लेकर चोपड़े की हवेली में, कहां से अमराई घाट से, किलकिला नदी के तीर से अमराई घाट से कहां आए, चोपड़े की हवेली में आए। और चोपड़े की हवेली में आके सुखपाल को दरवाजे के बाहर रख दिया और वहां से श्री जी और श्री बाईजूराज जी को अंदर सिंहासन पर पधराया। और हम जब चोपड़े की हवेली में जाते हैं तो हम जब अंदर प्रवेश करते हमारे दाहिने हाथ की ओर एक छोटा सा जो मंदिर बना है उसी के अंदर चरण कमल भी ऐसे एक निशानी बनाई है, वहाँ सुंदर सा जी जब सिंहासन, अरे यही पूरी पूरा स्थान यही समझ लो ने, उसी के समय का है। चलो एक जगह निश्चित ना करो, एक जगह निश्चित ना करो, वही स्थान है, वहाँ सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और छत्रसाल जी के अंदर आनंद की कोई सीमा नहीं है, राज दरबारी सुशीला महारानी सब आनंद में विभोर हो गए हैं और अंदर से अपने को धन्य धन्य मान रहे हैं। आज सखी प्राण नाथ पधारे, आज सखी प्राण नाथ पधारे, कैसे और धन्य धन्य दिन मेरे आज के प्राण नाथ पधारे। धन्य धन्य दिवस मेरे आज के, धन्य धन्य दिवस मेरे आज के, जहाँ प्राणनाथ पधार्या निज धाम से, जहाँ प्राणनाथ पधार्या निज धाम से। वैसे अंदर से याद कर रहे कि धन्य मेरे आज के दिन के प्राणनाथ मेरे घर आए। धन्य सखी मेरे घर प्राणनाथ पधारे, मैं तो लई मोतीड़े बधाए, धन्य सखी मेरे घर आज प्राणनाथ पधारे। तो अपने को धन्य धन्य मान रहे हैं। और आगे जब बाहर दरवाजे पे सिंहासन के अंदर बिठाया युगल स्वरूप को और बाहर दरवाजे पे सुखपाल को रख दिया तो सुशीला महारानी इतनी आनंद विभोर हो गई, इतनी प्रेम में डूब गई, अपनी साड़ी का पावड़ा करने लगी कि मेरे धनी मेरे घर आए हैं, मेरे धनी मेरे घर आए हैं। तो पावड़ा बिछाया, छत्रसाल जी के मन में क्या भाव पैदा हुआ कि अरे मेरे आगे तू हो गई, मेरे आगे तू हो गई। तो उसने साड़ी उठाकर अपनी पाग का पावड़ा किया। तो धाम धनी तो तन की मन की और दिल की इस सब चोरी को जान जाते ने, उसने दिल में राज जी ने देखा कि अरे छत्रसाल जी के अंदर ये विचार आया है, ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि परमधाम की सब आत्माएं मेरे लिए तो समान है, सबका दिल का भाव मेरे लिए तो एक ही समान है, सबके दिल में मेरे को रिझाने का भाव रहता है, तो ये भाव छत्रसाल के अंदर नहीं उठना चाहिए। तो वहां क्या हुआ, अपनी पाग बिछाई ने, तो पाग सिंहासन
के बीच में जो जहां से बिछाई थी बीच में जगह बनी रही, वहां तक सिंहासन तक पहुंच नहीं पाई, तो राजी ने इशारा कर दिया बायजू राजी को कि अरे तुम जाओ, क्या करो, तुम्हारी साड़ी बिछा दो। इशारा कर दिया क्योंकि तू भी मेरी परम धाम की लाडली आत्मा होने अपना पावड़ा साड़ी का बिछा दो। देखो राजी ने कैसे नेत्र मिलाए होंगे बायजू राजी की ओर, तो तुरंत ही वहां बाजूराज जी ने साड़ी का फावड़ा बिछा दिया। और कल हमने भोग में बोला था जीवन आए श्री राज महाराज भवन में, उसी में भी बताया ले सिर पाग पावड़ो कीनो, ले सिर पाग पावड़ो कीनो, छकी रहे सकल समाज महाराज भवन में, छकी रहे सकल समाज महाराज भवन में। जो भोग हमने कल बोला था ने कि ले सिर पाग पावड़ो किन्हो, जब छत्रसाल जी ने अपनी पाग बिछाई तो पूरा समाज आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि राज दरबार की एक गरिमा होती, ले सिर पाग पावड़ो किन्हो छकी रहे सकल समाज। तो यहां छत्रसाल जी ने अपनी पाग बिछाई और बायजूराज जी ने अपनी साड़ी बिछाई और श्री जी वहां सिंहासन पर बायजूराज जी के साथ, क्योंकि पहचान कर ली है। वैसे तो बायजूराज जी के अंदर अमलावती की आत्मा है, लेकिन यहां छत्रसाल जी का अपना एक खुद का भाव है कि नहीं, मेरे श्री जी के संग पधारे हैं ने, मेरे श्री जी के संग पधारे हैं ने। उसी के अंदर क्या भाव आया या चौपाई भी बताई कि सात समत के बीच में जुगल धनी बैठाए, ये साक्षात तुम अक्षराती तो हम चिन्हे तुम्हें बनाए। क्या बताया कि मेरे प्राणनाथ जी के साथ मेरी बायजूराज जी आई है, तो उसने परम धाम वाला श्यामा जी का भाव लिया, क्योंकि परम धाम में मूल स्वरूप राज जी के पास कौन बैठते हैं, सुंदर भाई श्यामा जी स्वरूप, तो यहां भी यही भाव लिया है तो अमलावती। और दूसरी चौपाई में बताया कि श्री ठकुरानी जी को, ध्यान से, श्री ठकुरानी जी को साथ संग ले पधारे मेरे घर, और आगे मैं अभी समझाऊंगी। धनी बिना तुम तुम्हें और देखे सो मिसल नहीं मात बर, तुम ठकुरानी जी को यहां लेकर आए हो, श्यामा जी को लेकर आए हो, तो युगल स्वरूप को बैठा कर अपने दिल में भाव लिया कि जो मूल स्वरूप मूल मिलावे में राज जी श्यामा जी का विराजमान है, वही स्वरूप में मैं यहां देख रहा हूं। इतना नहीं, और ये जो किरंतन ग्रंथ है ना उसमें 118 नंबर के प्रकरण में चौपाई बताई है कि इन प्राणनाथ के दिन पर इन महमद के, महमद कौन है, आखिरी हक्की स्वरूप श्री प्राण नाथ जी, इन महमद के दिन पर जो कोई ल्यावेगा ईमान छत्रसाल तीन पर तन मन धन कुर्बान। जो अंतिम हक्की स्वरूप आखरुल साहिबुज्जमा इमाम मेहंदी पर जो ईमान लियाएगा, जो विश्वास लियाएगा, उसी के पर जो भी आत्माएं सुंदर साथ हो या और भी आत्माएं, इसी पर छत्रसाल की आत्मा का तन मन धन जीव के साथ मैं समर्पित हो जाऊंगा। ऐसा किसने बोला, छत्रसाल जी ने बोला। और आगे धामधनी ने बताया कि क्या बताया कि ऐसे छत्रसाल जी ने जो पहचान की तो हमारी भी पहचान किस स्तर पर भी होनी चाहिए, हमारी भी पहचान किस स्तर की होनी चाहिए,
जो छत्रसाल जी राह दिखा रहे, एक प्रेरणा स्तोत्र के रूप में है कि आके जैसे ही प्रणाम किया, अपना तन मन न्योछावर कर दिया। इतना नहीं, अब तो कछु ना रहियो, दे चुके हम शीश। अरे धनी, इस ब्रह्मांड में, आगे सुनिए, इस ब्रह्मांड में मेरे कहने का मेरा कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि मैंने सिर से लेकर चरण तक पूरा मेरा जो शरीर पंचमहाभूत का, उसी के अंदर जो भी तन मन धन से लेकर जो सब कुछ गुण अंग इंद्रियां सब कुछ मैंने आपके चरणों में प्रार्थना करने लगे। कौन? छत्रसाल जी। और के हे प्राणेश्वर अक्षरातीत, अब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा रोम रोम, देखो मेरा रोम रोम आपके लिए बस हाजिर है। जब भी धनी आप आदेश करो, मेरा इस संसार में स्वयं का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। आप मेरे से जो ये समर्पित शरीर क्यों, इस समर्पित इस छत्रसाल के नामक शरीर को आप जो चाहो वैसा आदेश कर सकते हो। रोम रोम रम रहिया, पीव आसी के अंग, इसके लिए ऐसा किया, हो गया एक के रंग। कैसे बताया? रोम रोम रम रहिया, पीव आसी के अंग। जब हम आसिक दुल्हीन बनेंगे ने धनी की, अभी तो हम रोज अर्जी में बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। अब तो हम अर्जी में रोज, हम एक एक प्रसंग को देखो, रोज अलग अलग भाव से समझ रहे। एक दिन हम तारतम मंत्र की चौपाई पर समझे, कल हम भोग की चौपाई पे समझे, आज धामधनी अर्जी की चौपाई पे समझा रहे। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी, इश्क सो से वा करू पिया, सब अंगोशा शात जी। पिया तुम होते सी की जियो में, अर्ज करू मेरे पीयू जी, हम जैसी तुम जीन करो, मेरा तलफ तलफ जाय जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस भी रानी तो कहो पिया, जो कोई दूसरा हो सब विधवाला जी, समरथ दीन रेन जात रोय रो, जन्म आंधी जो में होते पिया, सो तुम देखती की जियो। आगे सुनिए, जब तुम आप दी खाओगे, तब देखोगी नहीं नन भर जी, ये पुकार पिया सू न के में, अब ढील करो तुम जी, क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो। सुंदर सा जी, गाई भी नहीं जाती है और बोला भी नहीं जाता है, क्या करूं? ये अर्जी सिर्फ इस चौपाई में, अब तो कछु ना हमारो अर्जी, तो हम सिर्फ इतनी नॉर्मल सुन लेते हैं, इसे हल्के में ले लेते हैं, कोई अंदर से कोई घाव ही नहीं बनता। रोज हम सुनते बच्चों के माध्यम से, ये छत्रसाल ने सार्थक किया इस चौपाई के चरणों को, कि पिया
तुम हो देसी की जियो, धनी अब मेरा शीश मेरा सब कुछ मैंने आपके चरणों में रख दिया, आप चाहो वे वही करो। मैंने एक एक चौपाई का मैं कैसे बताऊ, समय नहीं है। धनी छत्रसाल जी क्या कह रहे हैं, धनी मैं तो जन्म अंधी, मतलब बहुत जन्मों की अंदर से अंधी थी, जाहिरी अंधी नहीं, ये आंख वाली अंधी नहीं, ये आंख वाली अंधी नहीं, ये सिद्ध मैं देख रही हूं भौतिक नेत्रों से, संसार संसार के और चीजें। धनी मेरा आत्म चक्षु अब तक अंधा था, पहचान ही नहीं पा रहा था, ये नेत्र तुमने आके खोला मेरा। क्या अभी छत्रसाल जी की रूह का खुल रहा है या हमारा? सुंदरसा जी जवाब दीजिए, अर्जी तो हम रोज बोलते हैं, कभी भी हमने ऐसी अर्जी की जैसी छत्रसाल ने अभी की कि नहीं? अभी छत्रसाल जी ने ये अर्जी कि धनी तुम हो तैसी कीजियो, इसी के लिए लालदास जी ने चौपाई लिखी, हमारे लिए नहीं लिखी है ये। और प्राणा जी ने वाणी में बताया कि अंध ने आंख तो रुदे तणी, हमने तो न बाहर न माहे। चलो कोई सुरदास अंधा होता तो उसकी तो चलो बाहर की नहीं है, धनी हमारी तो बाहर की भी नहीं और अंदर की भी नहीं। राजी ने क्या बताया, धनी तुमने आके जन्म अंधी जो मैं होती पिया सो तुम देखे थे, मेरी आंख अंदर की आत्म चक्षु खोल के तुमने यहां बैठे बैठे मेरे को युगल स्वरूप का दीदार कराया। इतना सस्ता सौदा है, अब कितने अबूद है। सुंदरसा जी छत्रसाल जी की पहचान नहीं, ये तो हो गई 400 साल पूर्व। आज धनी इस प्रसंग के माध्यम से हमारी सबकी आत्म चक्षु अंत चक्षु खोल रहे हैं इस प्रसंग के माध्यम से। और आगे क्या बताए, तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, हम रोज तो बोलते हैं तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, और न जानू बात, बाकी हम संसार की सब चीजें जानते, एक दुल्हा को नहीं जान रहे हैं। संसार की हर चीज को हम जानते हैं, छोटी सी छोटी चीज भी, बहुत पूरा बहुत साल पूर्व भी हमने कहाँ रखी है, किस जगह रखी है, सब याद है इस बुद्धि की स्मृति में। लेकिन धनी की याद याद है 400 साल पहले की, क्या याद है? तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, और न जानू बात, इस कसो सेवा करूं सब अंगो साक्षात। ये तो शाकुंडल कह सकती है, ये तो इंद्रावती कह सकती है कि धनी बस मैंने आज तुमको दुल्हा के रूप में पहचान लिया, आज मैं तुम्हारी दुल्हीन हूं, बस इस ब्रह्मांड में मैं किसी की कोई संबंध में नहीं हूं। क्या हम इस स्वरूप में इस संबंध में कभी भी हमारे अंदर से पुकार निकली कि आज से बस मैं अर्धांगिनी आपकी हूं, आपका मेरे पर पूर्ण अधिकार है, इस संसार में मेरा कोई संबंध नहीं है संसार का जुट्ठा, बस मैंने आज से नाता तोड़ दिया। युगलदासी की आप प्रेम पत्री पढ़ना, युगलदासी ने जो एक छोटी सी प्रेम पत्री लिखी है 9 हरफों में, उसने 9 हरफों में इतनी, मैं क्या कहूं, जो उसी चर्चा में डूब जाऊंगी ना तो मेरे से आगे हो ही नहीं पाएगा प्रसंग। रोज मेरे को लगता है कि मैं सीने से लगा के सो जाऊं, बस इतनी वो पत्री गहरी है कि युगलदासी ने क्या जमानत ली है, क्या बीच में जामीन है, मतलब उसने ये बताया कि तू कैसी किसी की बेटी नहीं है, तू किसी की दुल्हीन नहीं है, तू किसी की महतारी नहीं है, तू किसी के कोई संबंध में नहीं है, तू एक अक्षरातीत प्राणेश्वर की दुल्हीन है, और तेरे को इसी संसार में यहां बैठे बैठे, युगलदास जी ने क्या बोला, इसी संसार में यहां बैठे बैठे तेरे को नहीं धर्मशास्त्र पढ़ना है,
कोई भी कुछ नहीं करना है, तेरे को जप नहीं करना है, तप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ बैठे बैठे राज्य का दीदार हो जाए, उसका जमादार मैं हूँ। क्या बताया युगलदास जी ने? लेकिन एक शर्त रखी युगलदास जी ने, क्या रखी उसकी रूह ने, कि जो मैं इस नव हरफ में पत्री के माध्यम से, मैं नव हरफ में जो एक शर्त रख रहा हूं ना, इस शर्त पर तू चलेगी ना तो यहां बैठे दीदार हो जाएगा। जो इन रूहों को यहां तो हुआ, इंद्रावती को, शाकुंडल को, सबको यहां तो हुआ, कोई दूसरी जुमी जिमी थोड़ी थी। आप कोई बार युगलदास की पत्री को पढ़िए, नवरफ में है, और युगलदास की जो रसानंद मनमोहन सागर, एक बार तो आप पढ़िए, सच में डूब जाएंगे आप, अलग ही नहीं होगे उस लीला से। कितना डूब कर लिखा है। और सुंदर सा जी, बड़े महाराज जी की जीवनी को भी पढ़िए, प्रेम का चांद, क्या जीवन यात्रा रही है। सच में इसी से हमारे अंदर प्रेम आता जाएगा, हमारा जीवन बदलता जाएगा। एक दिन पता नहीं कब राजी सामने आ जाए, जो सबने दावे के साथ बात की है, किसी की सुनी सुनाई नहीं। मैं रोज परमंशों की अलग अलग तरीके से बात इसलिए बता रही हूं कि जिसने चल के करके दिखाया है, रह के दिखाया है, यहां पाया है, सबकी अमरेहनी जब पढ़ेंगे ने, सुनेंगे, पठन चिंतन मनन करेंगे, यहां छत्रसाल जी की कि धनी बस अब चाहो वो करो, मैं तुम्हारी दुल्हीन हूं, बस आज से मैं कोई राज दरबार के बुंदेलखंड के पन्ना के अंदर, जो भी मेरा साम्राज्य, मेरा किसी के साथ नाता नहीं है, बोलने से नहीं होता। उसने जो बोला ने वो प्रैक्टिकल चल के दिखाया है। तब श्री जी ने क्या बोला कि मैंने अभी तक बहुत राजाओं को जगाया, बहुत पातशाह राणाओं को संदेश दिया, लेकिन मैंने आज, श्री जी क्या बोल रहे हैं कि मैंने आज देखा कि परम धाम की ब्रह्मात्मा के सिवाय किसी के अंदर समर्पण नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, त्याग नहीं आएगा, कुर्बानी नहीं आएगी। मैंने आज एक शाकुंडल के अंदर यह देखा है कि इतना त्याग, इतना बलिदान इस स्तर पर का, इतना बड़ा समर्पण, ये तो श्री जी ने देख लिया कि परमधाम की ब्रह्मात्मा के सिवाय। तो सुंदर साची, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार देख लीजिए, मतलब अंदर से आप अपने खुद सोचिए कि सच में मेरे अंदर ये त्याग है तो मैं परमधाम की आत्मा हूं, तो ही मेरे पर धामधनी की कृपा बरसेगी। आगे आएगा अभी छत्रसाल जी की कुर्बानी का, और सुनते जाइए आप। और सृष्टि के लेकर अब तक मैंने अभी कई, श्री जी बोल रहे कि कई, मैं जो अभी बात बताई कि पैगंबर तीर्थंकर अवतार, लेकिन किसी ने ये चरितार्थ करके नहीं बताया। और आज छत्रसाल, शाकुंडल तेरे अंदर मैंने ये देखा है। और आगे भी अभी छत्रसाल जी का समर्पण देखो, एक एक चौपाई में के पहले दाता हम भये, पहले दाता हम भये, गुरु को दिनों शिष्य, पीछे दाता गुरु भये, सब कुछ कियो बख्शीश। छत्रसाल जी ने आगे क्या बोला कि सबसे पहले मैं शिष्य, मतलब हमारे अंदर कोई शिष्य की परंपरा नहीं है, हमारे तो धामधनी के सुंदर साथ, सुंदर बाई के अंगी सुंदर साथ। तो बोले कि धामधनी
में सबसे प्रथम एक सुंदर सार के रूप में गुरु के चरणों में मैंने सिर रखा और बाद में आपने परम धाम की सब कुछ नियामत परम धाम 25 पक्ष मेरे नाम पर कर दिया, मेरे नाम पर पूरा सब कुछ। तो धनी ये तो सस्ता सौदा है, मैंने तो सिर्फ यहां का सिर रखा, बहुत तो बहुत कदाचित साम्राज्य रखूंगा, कुछ इससे ज्यादा तो मेरे पास इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, शायद पूरी पृथ्वी दे दूं रत्नों से भरकर। यही तो याज्ञवल्क्य को गार्गी ने कहा था, मतलब याज्ञवल्क्य और गार्गी की जो संवाद है उसमें बताया है कि हे गार्गी, मैत्रीय का जो संवाद है उसमें बताया कि कदाचित तुमको कोई पृथ्वी पूरे रत्नों से भर कर दे दे, जितनी चाहो इतनी धन संपत्ति, ये जो भी चाहो आप इच्छा करो, लेकिन उसने जो परब्रह्म तरफ की और संकेत किया कि ये अक्षरातीत कि एक झलक भी एक लहर भी उसी के बराबर नहीं आती। यहां शाकुंडल क्या सोच रहे कि धनी मैं पहले आपके चरणों में शीश रखा, मैं न्योछावर हो गई, बाद में तो आपने पूरा परम धाम का, क्योंकि परम धाम के खजाना जो है जो धन संपत्ति है परम धाम की क्या 25 पक्ष की, ये 25 पक्ष से आपना तेमा जिल जो रात ने दी न प्रकट कहिया से पाधरा, तुम ग्रह जो सौ साथ, ये 25 पक्ष से आपना तेमा जिल जो रात ने दी न, हे सुंदर साथी ये 25 पक्ष से अंदर आप पूरा रात दिन एक एक पक्ष में रमण कीजिए, डूबिए, यही अपना है, अपना घर है, अपनी धन संपत्ति है, उसके वारिसदार हम सब सुंदर साथ है। धाम धनी ने परम धाम के 25 पक्ष की पातशाही वारिसदार किसको बनाया है, पातशाही हमको दी है, उसके वारिस अहल हम है। और एक प्रमाण और भी है गुरु ग्रंथ साहेब का, बीतेगा 39 तब दगेगा 40 तब कोई होसी होसी मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे सोई सच चद होसी सच तद्दी बेला। इस साखी का भाव क्या है ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये साखी वर्णित है कि गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि जब 1739 का समय पूर्ण होगा और 1740 का समय प्रारंभ होगा तब कौन आएगा इस संसार में, निष्कलंक बुद्ध स्वरूप अक्षरातीत पर ब्रह्म की शक्ति इस संसार में आएगी और ये स्वरूप की पहचान पूरे संसार में फैलेगी और इसी समय पूरे संसार में एक सत्य धर्म की स्थापना होगी। तब सिख पंथ के अनुयायी लोग, सिख पंथ के अनुयायी लोग की क्या मानते हैं, उसका कहने का भाव उसका तात्पर्य यही है कि मर्द का भाव वो लेते हैं कि मर्द का भाव कोई बहादुर पुरुष कोई वीर पुरुष धैर्य धीर पुरुष ये लेते हैं, तो किसी पर घटित करते हैं कि गुरु नानक वो क्या गुरु गोविंद सिंह और बंदा वैरागी पर वो घटित करते हैं, किस पर गुरु गोविंद सिंह और बंदा वैरागी पर घटित करते हैं, लेकिन अध्यात्म जगत का भाव कुछ और है। यहाँ परमात्मा तो मात्र एक है और सब पूरी पृथ्वी का नहीं अनंत ऐसे ब्रह्मांडों का सचराचर का परब्रह्म परमात्मा तो सबके मूल में एक ही है, एक ही अक्षरा तीत है
और हम देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरुवाणी में ये गुरु नानक साहिब ने भी लिखा है। और क्या लिखा है कि जो मोहे कोई परमेश्वर कर सेव ही, जो मोहे कोई परमेश्वर कर सेव ही वो घोर नरक में जाव ही। मेरे को कोई परमेश्वर के रूप में मानेंगे तो वो तो घोर नरक में जाएंगे। लेकिन सिख पंथ के अनुयायियों ने क्या मान लिया कि गुरु गोविंद सिंह हैं, उसको वो आदिनारायण के अवतार मानते हैं। तो आदिनारायण के अंश रूप तो संसार के जीव है, तो वैसे वाले आदिनारायण तो ऐसे कई ब्रह्मांड अनंत बनते हैं। एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश होते जो पालन पोषण और सहार की लीला सौंपी जाती है। तो नारायण मोह सागर में एक रहते हैं। वो नारायण भी किसके सपने में बने, कल मैंने बताया था अक्षर ब्रह्म के स्वप्न में। तो नारायण भी महाप्रलय में एक दिन विलीन हो जाते हैं, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो फिर पूरी सृष्टि का परमात्मा किसको ठहराया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी और बंदा बैरागी के मिलन के प्रसंग को यहाँ घटित किया है। लेकिन सुंदर साहब जी, सत्य तो यही है कि गुरु गोविंद सिंह और बंदा बैरागी का यह मिलन नहीं है। वास्तविकता क्या है कि परमधाम से जो आत्माएं आई है, तो यहाँ इंद्रावती और शाकुंडल का जो मिलन हुआ, श्री जी और शाकुंडल का मिलन हुआ, ये दोनों का मिलन, उसमें क्या बताया, मर्द कौन है, अक्षरातीत, और मर्द का चेला कौन है, तो अक्षरातीत की अंगनाएं हम सब सुंदर साथ है जो परम धाम से आई है, और राज्य की अर्धांगिनी आत्माएं कौन है, हम सब है। तो यहाँ ये जो प्रसंग है ये हमारे पर घटित होता है, और इंद्रावती और शाकुंडल पर ही घटित होता है। तो यहाँ ये छत्रसाल जी उसके बाद एक सत्य धर्म की जो स्थापना करते हैं इस संसार में। तो ये प्रसंग बीतेगा 39 तब दगेगा 40, ये प्रसंग उसी पर घटित होता है। और इसी के आगे जब श्री जी विद्या अभिनंद बुद्ध स्वरूप हमारे प्राण के प्रियतम प्राणनाथ है, वो इस स्वरूप में जब पहचान लिया छत्रसाल जी ने, तब श्री जी ने क्या किया, आगे देखिए प्रसंग को कि श्री जी ने छत्रसाल जी को चंदन किया। थाल में, एक थाली में चंदन अक्षत ये चावल लेकर चंदन किया, और महाराजा की सिंहासन पर बैठा के महाराजा की भी शोभा दी। किसको, छत्रसाल जी को। और आगे जब जैसे ही श्री जी ने छत्रसाल जी को सिंहासन बैठाकर चंदन किया और महाराजा की शोभा दी, तो आसपास में जो दरबारी लोग थे वहाँ बधाई गाने लगे, वह आनंद मंगल बरतने लगे, बधाई गाई जाने लगी। तभी उसी समय छत्रसाल जी ने क्या पहचान करवाई, जो सबके दिल में अज्ञान रूपी राक्षस भी बैठ गया था ना, दज्जाल, कि अरे ये तो महात्मा वैरागी के चरणों में हमारा छत्रसाल झुक रहे हैं, देखो ये सुशीला महारानी भी सेवा कर रही है, उसका भी समर्पण। तो राज दरबारी के लोग में जो एक शंका थी अंदर, एक शंका थी, तो पहचान नहीं पाए थे कई लोग राज दरबार के। तो श्री जी के दिल में क्या विचार आया कि अरे मेरे प्राणेश्वर, मेरे अक्षरातीत, मेरे प्राण घन प्राणनाथ जो मेरे घर आए हैं, वो कौन है और कहाँ से आए हैं, मैं उसकी आपको पहचान करवाता हूँ, आप सब सुनिए। तो यहाँ जैसे बधाई गाई जाने लगी, तब छत्रसाल जी ने ये बधाई के बाद अपना पद शुरू किया, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी,
आनंद अखंड पारे शिव सन कादिक आदि के इच्छित से सन पावत पार मेरे बालाजी से सन पावे पार अगम जानी के निगम कहावे खोजी खोजी पची हार मेरे वाला जी खोजी खोजी पची हार जानी के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए अमार मेरे वाला जी सो घर आए हमारे श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा वालो लेकर सांग पधार मेरे वाला जी लेकर सांग पधारे फिर त्रिगुण फांस के फंद परे धनी सो फंदा निरवार मेरे वाला जी सो फंदा निरवार वारी वारी जाऊँ मैं अपने पिया पर वारी वारी जाऊँ मैं अपने धनी पर वारी वारी जाऊँ मैं अपने वाला जी पर शोभा मुख से न आवे मेरे वाला जी शोभा मुख से न आ सी छत्र साल गुण गाय मेरे वाला जी सी छत्र साल गुण गा यहाँ क्या बताया आगे पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पारे छत्र साल जी पूरे परिवार राज दरबार को पहचान करवा रहे कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे पूर्ण ब्रह्म कौन है हमारी आत्मा के प्रियतम प्राण नाथ अक्षरातीत प्राण वल्लभ और ब्रह्म से न्यारे वो कौन है अक्षर से भी ब्रह्म कौन अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म से भी न्यारे अक्षर ब्रह्म से भी वो अलग है शर से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत वो ब्रह्म से न्यारे है भिन्न है अलग है पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद खंड पारे वो अक्षरातीत आज मेरे घर कोई नारायण नहीं आए है कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कोई त्रिदेव नहीं आए है कोई ये देवी देवता के रूप में नहीं आए है ये कोई अक्षर ब्रह्म भी नहीं आए क्या बताए अक्षर ब्रह्म नहीं है ये ब्रह्म से भी न्यारे पूर्ण ब्रह्म आए है ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड वो आए है तो क्या लाए है तो अपने पास जो होगा वही तो लाएंगे तो क्या लाए अखंड का आनंद वो अखंड का आनंद वो परमधाम का अनंत प्रेम अनंत आनंद लेकर आज मेरे घर आए हैं देखो कहाँ से मेरे धनी मेरे को लेने के लिए आए आप पहचान कर लीजियो ये अक्षरातीत है जिसकी खोज में ऋषि मुनि थक गए सिर से लेकर चरण तक जटाए पहुंची नेत्र की पल के चरण तक पहुंची जटा में पक्षियों ने घोंसले बना लिए लेकिन दिशा नहीं पाए आज तुमको ऐसे इतने सरलता से दर्शन हो रहे यही आए धनी तुम दर्शन कर लो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद खंड पर शिव सनकादिक
देखो जो प्रारंभिक ऋषि कौन थे, योगी ऋषि कौन थे, ये शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महेश मतलब शिव, और अग्नि, अंगिरा, आदित्य, वायु, और आगे भी सनकादिक। जब ये नारायण ने संकल्प किया एकोहम बहुश्याम, तो सृष्टि जब बननी शुरू हुई, पैदा होनी शुरू हुई, क्रिएट हुई, तब सनकादिक भी ये प्रारंभिक योगी है, उत्पन्न हुए, पैदा हुए। तब नारायण ने पूछा कि तुम आगे सृष्टि बढ़ाएंगे, अपनी मानसी सृष्टि आगे? तो बोले नहीं, हमको तो वैराग्य वेश लेना है, वैराग्य धारण करना है, हम सृष्टि की इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो वो 5 साल की उम्र में वहां से निकल पड़े। तो यहां क्या बताया कि शिव सनकादि प्रारंभिक जो जिसके कोई माता पिता नहीं थे, एक नारायण के संकल्प से सृष्टि पैदा हुई, मानसिक सृष्टि, वही योगी भी नहीं जान पाएगी। जिसके क्या कहना चाहते, समझ में आ रहा कि उसके अंदर कोई विकार भी अभी पैदा नहीं हुए थे, ऐसे योगी थे, प्रारंभिक ऋषि थे। कोई संसार की चीज का तमो सतो रजो का अभी कोई अंदर भेदभाव ही नहीं पैदा हुए थे, वो योगी जन वो नहीं जान पाए है। शिव सनक आदि, आदि जब से सृष्टि बनी, आदि मतलब बनना और मिटना, तो तब से लेकर आदि के इच्छित, ये सबने इच्छा की है, मनोकामना की है कि मेरे को बस कोई सुगंधि अखंड की मिल जाए, कोई दीदार की एक लहर उठ जाए, लेकिन किसी ने पाया नहीं, इच्छित इतना भी कुछ नहीं पा पाए। आदि के इच्छित शेष न पावत, शेष मतलब थोड़ा कुछ, वो नहीं पा पाए, सुगंधि भी नहीं आई। मैंने एक दिन बताया था नरसिंह मेहता वाला, रसखान वाला, देखो वृंदावन की गलियों में पागल है जूते लेकर, कि मेरे कृष्ण देखो वनों में धूप में कैसे घूम रहे, उसको धूप में ये पैरों में कदम कदम में धूप लगती होगी, तो चलो मैं जूते लेकर जाऊँ, कैसे वृंदावन की गलियों में पागल है। हम तो ऐसे पागल क्या, एक क्षण भी हमारी इंद्रिय स्थिर भी नहीं है, कैसे पागल तो तब हो जाता है जब समाधि लगे। तो ऐसे ऐसे जो महापुरुष इस संसार में आए, कोई कम प्रयास नहीं किए, सबका लक्ष्य ध्यान से, सबका लक्ष्य एक परब्रह्म रहा है। ध्यान से सुनिए इस चर्चा को, सबका लक्ष्य तो परब्रह्म ही रहा है, सबका मूल केंद्र तो वही रहा है, लेकिन फिर प्राप्ति का स्थान नारायण रहा, वहां नहीं पहुंच पाए, लक्ष्य परब्रह्म को बनाया, केंद्र मूल तो वही बनाया, लेकिन खोजते खोजते सब शून्य में लीन हो गए। 5 रत्न को प्राणा जी ने वाणी में बताया कलश में, कि मैंने 5 रत्नों को इस मोह सागर से निकाला, सुखदेव, सनकादिक, शिव, कबीर और महाविष्णु, बाकी कोई नहीं जा पाए। शेष न पावत पारे, अगम जानी के निगम कहावे। मैंने एक दिन बताया था वेद में अगम निगम नहीं है, उपनिषदों में है, न इति नेति नेति शब्द, तो वो भी एक स्वर में जब खोजने के लिए रुचाए गई, तो वो भी शून्य निराकार से वापस लौट गई, और न इति आगे कुछ है प्रेमल ठंडक, कुछ है लहरे, लेकिन मैं नहीं वहां पहुंच पाई, कुछ नहीं पा पाई, वो भी न इति नेति। वेद ने एक स्वर में बोला नेति नेति, कहे वेद अनुपा निजानंदा निरुपाधि अनुपा। ये रामायण का एक श्लोक है कि नेति नेति कहे वेद निरूपा निजानंदा निरुपाधि अनुपा, शंभू विरंची विष्णु भगवाना, उपजति अंशु बहुविध नाना। रामचरित्र मानस का श्लोक है। क्या बताया कि नेति नेति कहे वेद निरूपा, वेद के व्याख्यान ग्रंथ उपनिषदों ने खोज करने के लिए जब आगे गए, तो उसने क्या बताया
कि आगे आनंद के सागर, अगाध आनंद के सागर है, लेकिन हम वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं है, हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वेदों ने भी निरूपा मतलब पा नहीं पाए, अगम है ये। और आगे बताए शंभु विरंची विष्णु भगवान, तो ये राम खुद कह रहे हैं कि ऐसे मैं राम बोले कि मैं विष्णु के स्वरूप में राम इस बार हूं, एक बार विष्णु के स्वरूप राम बन के आता हूँ, एक बार विष्णु के स्वरूप कृष्ण बन के आता हूँ, एक बार वराह, एक बार नुशी, एक बार कश्यप, एक बार मत्स्य, एक बार ऐसे बार बार 24 अवतार के रूप में मैं रूप धारण करता हूँ, अवतरण होता है, अवतारों के रूप में आता हूँ, फिर यहाँ तन छोड़ देता हूँ, फिर विष्णु स्वरूप की लीला वहीं कुठ में होती रहती है। लेकिन यहाँ रामायण के माध्यम से बताया राम के विष्णु के स्वरूप जीव ने राम के अवतार में क्या बताया कि जब बार बार ये सृष्टि बनती है, इस सृष्टि में राम बोलते विष्णु भगवान के स्वरूप में कि मैं शिव जी और ब्रह्मा जी तीनों इस सृष्टि के अंदर आते हैं, और जितनी अनंत सृष्टि तो अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश। और कैसे आते, एक पानी के बुलबुले जैसे सागर के किनारे उड़ते हैं, थोड़ी देर में बुलबुले फूट जाते हैं, विलीन हो जाते, ऐसे हम कई ब्रह्मा विष्णु महेश है। अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पचियार, खोज खोज के अंतिम थक गए, हार गए, मौन धारण कर लिया। जानी के मूल धनी अंगना, ये धनी ने मेरे को अपनी अंगना जानकर, मतलब राजजी ने अपनी अर्धांगिनी अंगना आत्मा अभी देखा ना, देख तो निष्पत अपनी, ठीक है, तो राज जी ने अपनी निष्पत, हमने अभी नहीं देखा है अपनी निष्पत को, अपने मूल तन को हमने, राज जी ने देखो हमारी तो हंसी वहां तो हो रही थी, अभी जाके भी फिर हंसी होगी, क्योंकि प्रेम तो राज जी का ही बड़ा रहा, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए, खुलासा करने के लिए ये प्रेम का कि किसका प्रेम बड़ा है, ये तो राज जी का ही आगे रहेगा, क्योंकि राज जी आए हैं। और यहां क्या बताया कि धनी मेरे को लेने के लिए आए हैं, बताओ कैसे। छत्रसाल जी आगे श्री जी को मिलने के लिए सामने सूरत तक, ध्यान से, सूरत तक या जामनगर नहीं गए, या कोई भी स्थान पर श्री जी थे विराजमान, मान लो दिल्ली में थे इससे पहले, या रामनगर थे, ठीक है, कई भी स्थानों में हमने लीला देखी, छत्रसाल नहीं गए, छत्रसाल को लेने के लिए श्री जी पन्ना आए हैं। लालदासी श्री जी को मिलने के लिए नहीं गए, लालदासी को लेने के लिए श्री जी ठट्ठा नगर और सूरत में आए हैं। किसकी हंसी होगी, बहुत गहरी बात है ये सुंदर साथ जी, आप ध्यान से सुनना। केशवदासी नहीं गए श्री जी को मिलने के लिए, केशवदासी को लेने के लिए राज जी आए, भले पीछे से भागे चार वचन सुन के, लेकिन पहले तो राज जी आए ने। इंद्रावती के पास सदगुरु के रूप में स्वयं राज जी पहले आए, इंद्रावती बाद में गई है, सब रूहों को लेने के लिए पहले राज जी आए, रूह राज जी के पास सीधी नहीं गई है। यहां छत्रसाल को लेने के लिए, शाकुंडल को पहचान कराने के लिए राज जी आए है पन्ना के अंदर, शाकुंडल नहीं गई कि चलो दिल्ली में मेरे धनी बैठे है, मैं वहां जाऊं, कितने कष्ट में कितने दुख में बैठे है वहां, यही प्राणनाथ है। क्या बताए, श्री ठकुराणी जी सखियन सुधा, अकेले नहीं आए, मेरी श्यामा जी को, ठकुराणी जी को वो साथ में लेकर आए, और सखियन 5000 की जमात को लेकर आए मेरे घर। सी ठकुराणी जी सखियन सुधा वालों लेकर संग बधारे, त्रिगुण फांस के फंद परे धनी, संसार के संपूर्ण जीव पाताल से लेकर नारायण तक सब सत रज और तम, सब सत और तम के फंदे में फंस चुके थे। हमने एक दिन वो प्रकरण के माध्यम से सुना था ने, सुन और सत के बंजारे, उसमें हमने सुना था
आटी आन के फांसी लगाई, वो भी उलटी दई उल्टाई, वो भी उलटी दई उल्टाई। सुना था ने कैसी फांसी लगा के रखी हमने गले में, क्या फंदा लगा के रखा है। सतरोज रम, सतरज और तमर के फांसे में पूरा संसार फंसा हुआ है। इतना नहीं, फांसी लगा के उल्टे लटके हुए हैं। क्या हालत होगी हमारी, तो भी हम सुखी मान के बैठे यहां के, ओ बहुत यहां सुख है। क्या बता, त्रिगुण फांस के फंद परे धनी, सो फंदा निर्वारे, उसी फंदे से तूने हमको निकाला, इस भव सागर से निकाला। वारी वारी जाऊ में अपने पिया पर, शोभा मुख से न आए, सिंहासन आसन बैठा सी छत्र साल गुण गाए। ऐसे धनी पर मैं बार बार बलिहारी, बार बार कुर्बान, बार बार मैं उसी पर सुंदर साची न्योछावर हो जाती हूँ। और जब छत्रसाल जी की यही पहचान बनी, उसी के बाद, पहचान के बाद तो फिर कहना ही क्या। धाम धनी को अनेक प्रकार से फिर छत्ता के रूप में उजागर हो गए, जाहिर हो गए। और आज संसार और भी आने वाले समय में जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, छत्रसाल को पूरा संसार पहचानेगा। इतना नहीं, आज समाज तो 400 साल से छत्रसाल 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 की सीरियल देखो, अभी रिलीज हो गई ना, देख रहे ना सब लोग छत्रसाल जी की सीरियल भी। और हमने पहले प्राणना सीरियल में भी छत्रसाल जी का जो जो रोल था, उसी रोल के माध्यम से छत्रसाल की सेवा को हमने देखा, समर्पण को देखा। तो ये छत्रसाल जी छत्ता के रूप में आज 400 साल से हमारी परंपरा में, आज हर स्थानों में, हर मंदिरों में, हर पुरियों में, धाम में, पद्मावती में, सब जगह आज यही छत्रसाल का गुणगान गाया जा रहा है, यही छत्रसाल को याद किया जा रहा है, यही छत्रसाल की सिफत और प्रशंसा हम गाए जा रहे हैं। बस हम वो बनने का प्रयास करें। और आगे धाम धनी ने अनेक प्रकार की मिठाई मेवा आरोगी, क्योंकि छत्रसाल जी ने पहचान कर ली, फिर तो सेवा में और तो क्या कहना। अनेक प्रकार के मेवा मिठाई वानगी व्यंजन अथाने श्री जी के आगे भोग लगाया। और बाद में फिर जो सुखपाल बाहर दरवाजे पे खड़ा कर दिया था और भीतर सिंहासन पर पधराए थे युगल स्वरूप को, और आरती अभी उतारी ने पूर्ण ब्रह्म, और कंचन थाल चहुमुख दिवला करके ये आरती अष्टभोर में आएगी, तब हम उसका वर्णन करेंगे इस प्रसंग का। लेकिन पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, और छत्रसाल जी ने तब आरती उतार के युगल स्वरूप के स्वरूप में देखा। और इतना नहीं, अपनी पाग का पावड़ा क्यों बिछाया सुंदर साथ जी, पाग का पावड़ा क्यों बिछाया छत्रसाल जी ने, उसने पहचान लिया था कि मेरी पाग जब मैं श्री जी के चरण कमल नीचे बिछेगी ना, ध्यान से नीचे बिछेगी ना, उसी पर कौन चलेगा, मेरे धनी। और मेरे धनी की चरण धूलि के लिए इस संसार में, ये तो लीला करके कृष्ण के तन में आवेश शक्ति आई थी आज से 5000 साल पूर्व, तो वो तो चली गई, उसी धूलि के लिए आज लोग वहां कितना उसकी गरिमा को बढ़ा के, कितना वो अपने को अंदर निष्ठा से मान रहे हैं। तो आज यहाँ छत्रसाल जी ने क्या विचार किया, क्या विचार किया, अंदर क्या चिंतन चल रहा है छत्रसाल जी के अंदर, कि मेरे धनी मेरे पाग के पावड़े पर चलेंगे, तो मेरे धनी की धूली तो होती ही नहीं। ऐसे नूरी लालिमा युक्त,
ये चरण निमखना छोड़िए राखिए माहे नैनन, ये निष्वत हक अर्श की मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के जीवन। महामति कहे इन चरण को। सुंदर सा जी, कितने चरणों की चौपाई को बोलो। गाने से पहले मेरे को भाव आता है कि नहीं बस वर्णन कर दूं कि मेरे धनी के नूरी चरण कमल कैसे उज्जवल गौर लालिमा से युक्त, उस धनी के फने टाकन घुटी कांडा कलाई, और इतना नहीं पिंडुरिया और कांडे में झांझरी घुंघरी कांबी कडला, और धनी की जो तली है नीचे की गहराई वाले लाख, और जो नीचे लाख के अंदर जो रेखाएं है उसमें कितना प्रेम प्रवाहित हो रहा, कितना नूर प्रवाहित हो रहा है, और मेरे धनी का परमधाम का समस्त 25 पक्ष की धाम धनी के चरणों का नूर अंदर का एक एक लिंक में रेखा में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है, और ये चरण कमल जब मेरी पाग पर स्पर्श करेगा तो धाम धनी के 25 पक्ष की लीला रूप शोभा रूप, और धाम धनी के दिल में जो अनंत सागर उमड़ रहे वो सब सुख समेत, वो सब सुख समेत मेरी पाग पर ये नूर आ जाएगा। नूर मतलब नूर की परिभाषा व्याख्या, क्रांतिमान नूर प्रकाश, दैदीप्यमान तेजोमयी प्रकाशमयी, रोशनी जो भी कहो सब नूर, राज्य के दिल के अनंत खूबिया ये सब मेरे पाग में आ जाएंगे, और ये पाग जब मैं सिर पर धारण करूंगा तो ये सब नूर मेरे अंदर आ जाए या नहीं आ जाएंगे। ये पाग फिर मैं सिर पर धारण करूंगा तो मेरे धाम धनी की सब नियामतें अखंड खजाने सब नूर प्रेम आनंद ये सब मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगा, मेरे धाम दिल में अखंड हो जाएगा। इसलिए पाग के पावड़े बिछाए, और ये सिंहासन को बायजूराज जी और श्री जी विराजमान है, ये सिंहासन को छत्रसाल जी और मजली रानी सुशीला महारानी ने पूरे राजमहल में अपने कंधे पर लेकर पूरे राजमहल में घुमा रहे हैं। एक एक जगह कितना अंदर आनंद उत्सव है। और आगे में हमने देखा कि भोजन प्रसाद आरोगाया, और श्रीजी को श्रृंगार भी छत्रसाल जी ने करवाया, और सुशीला महारानी ने बाजूराज जी को श्रृंगार कराया। कैसा कराया? राज जी को यहाँ पहुंची हीरा माणिक के नंगों की, एक छोटे छोटे नंगों वाली भी पहुंची, कड़े भी पहनाए, और गले में भी लरे वाली सोने की साकल जैसी, ये भी हीरे माणिक के नंगों से जड़ित, गले में एक नेकलेस भी पहनाया, गले का हार। और ऐसे बाजूराज जी ने भी सिंगार धारण किया। किसने करवाया? सुशीला महारानी ने। और आगे धामधनी ने बताया कि पूर्ण पहचान करने के बाद ये कुर्बानी आई। मैं कल चौपाई बोली थी ना, धन धन धनी में पर भई कुर्बान। पहले क्या बोला? हुई पहचान। बाद में क्या बोला? भई में कुर्बान। और बीच में मैं जो चौपाई गाई थी कि चित चुभायो अंदर धनी मुख सुंदर, तो ये जब मुखार विंद और धाम धनी को सिंगार करवाया और ये स्वरूप को अपने अखंड धाम दिल में अखंड कर लिया और धनी पर पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। और फिर बलदीवान चाचा और भी परिवार के लोगों है, जिस दिल में एक शैतान दज्जाल भी बैठ गया था, बलदीवान चाचा को इच्छा तो नहीं थी, मन में संशय था, लेकिन तो भी तारतम ले लेते हैं, तारतम ज्ञान श्री जी के पास
ग्रहण करते हैं। और आगे एक प्रसंग है कि ये बात छिपाई कुरान की, आवते मारा जो सो आप, सो पहचान के वास्ते इनको प्रकट करने प्रताप। अभी तक श्री जी ने कुरान की बात महाराजा छत्रसाल सी से छिपा के रखी थी। क्यों छिपा के रखी थी, ये धामधनी ने अपने दिल में क्यों रखा था, या अभी आगे प्रसंग में बताएंगे कि भाई कुरान की बात। अभी बलदीवान काका चाचा और भी राज दरबारी लोगों को अभी ये विश्वास नहीं है कि इमाम मेहंदी है, ये आखरुल साहिबुद जमा है, ये निष्कलंक बुद्ध स्वरूप है, तो उस दिल में अभी संशय थे। इसलिए श्री जी ने सोचा कि अभी मैं थोड़े टाइम के लिए ये कुरान की बात छिपा के रखूँ, उचित समय पर, समय आने पर मैं क्या करूँगा, कुरान का जो गुज रहस्य है और संकेतों के रूप में जो दिया है, ये मैं आने वाले टाइम में जब समय आएगा तभी मैं जाहिर करूँगा किसके पास, छत्रसाल जी के पास। और छत्रसाल जी पूरे इमाम मेहंदी के रूप में मुसलमानों की ओर और वेद पक्ष हिंदू की ओर निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के रूप में ये संसार में प्रकट करेंगे, क्योंकि आगे राज जी ने बताया कि एक दिन श्री जी बंगले में, बंगला जी दरबार में कोने में बैठे थे और लालदा से भी एक की ओर कुरान पढ़ रहे थे और श्री जी कुरान के अर्थ खोल रहे थे, उसके मायने खोलते जा रहे थे और सुंदर साहब जी भी ये मायने सुनने में इतने तल्लीन बैठे थे। उसी समय एक दिन राज जी को करना क्या हुआ कि एक दिन वहां से छत्रसाल जी रात को निकले, कहा बंगला जी दरबार से आगे, तो थोड़े मोमिन श्री जी आप वो बंगला जी का चिंतन कीजिए, श्री जी लालदासी और थोड़े कुछ मोमिन सुंदर साथ एकांत में बंगला जी में बैठे हैं और कुरान के विषय पर चर्चा चल रही है। उसी समय वहां से छत्रसाल जी पसार होते हैं, उसने देख लिया श्री जी की चर्चा को और लालदासी सबको, तो वहां से उसने इशारा किया और बोले के अरे क्या हो रहा है, संकेत किया। तब लालदास जी ने बोला कि अभी मैं बाहर आ रहा हूँ, पहले मेरे को बताइए कि क्या काम है। तब छत्रसाल जी ने पूछा, लालदास जी बाहर गए कि अरे ये एकांत में किस विषय पे चर्चा चल रही है। तब लालदास जी ने बोला कि कुरान के विषय पर चर्चा चल रही है। तो छत्रसाल जी बोले कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तब लालदास जी ने बोला कि हाँ, मैं पहले श्री जी की आज्ञा ले लूँ, पूछ के मैं आपको बताता हूँ, बाद में आप अंदर आइए। फिर श्री जी ने बोला कि हाँ आ जाइए छत्रसाल जी। फिर अंदर छत्रसाल जी कहाँ प्रवेश किए, बंगला जी दरबार के अंदर। जैसे बंगला जी दरबार में आए, श्री जी ने छत्रसाल जी को बोला कि हे छत्रसाल जी, मैंने अब तक आपको ये बात छिपा के रखी थी और आगे मैं जाहिर कर रहा हूँ, क्या कि हे छत्रसाल जी, कुरान में ध्यान से, ये कुरान में हमारी परम धाम की बहुत सी साक्षियाँ जो हम रोज चर्चा में लेते हैं, ठीक है, बहुत सी साक्षियाँ है और मोहम्मद सल अलैहि वसल्लम ये कुरान लेके आए हैं और ये नहीं, हे छत्रसाल जी उसमें मेरो तेरो सब ब्रह्मात्माओं ये सब की साक्षियां है, देवचंद्र जी की कैसी साक्षियां है कि छत्रसाल जी तुमको कुरान में हारून कहा गया है, मेरे को मूसा पैगंबर एहिया ये सब कहा गया है, इमाम मेहंदी और इतना नहीं रूहल्ला श्यामा जी को, देवचंद्र जी को रूहल्ला भी कहा गया है और ब्रह्मात्माओं को मोमिन कहा गया है, तो ये सब ब्रह्म और नाजी फिरक्का भी कहा गया है, तो ये सब हमारी तुम्हारी साक्षियां है। जब इतना सुनाने छत्रसाल जी ने, ध्यान से इतना सुनाने छत्रसाल जी ने, तब तो अंदर दिल जोश से भर गया कि अरे हमारी साक्षियां है क्या इन मुसलमानों के ग्रंथ में, तो हम इन मुसलमानों से क्या डरे, इतना अंदर जोश आ गया, बल आ गया
कि हम ये मुसलमानों से नहीं डरे, इतना नहीं, अब औरंगजेब बादशाह के सामने मेरी तलवार खुली हो जाएगी, मैं उसके सामने लड़ूंगा, इतना नहीं, नतमस्तक करके आपके चरणों में भी लाऊंगा, आपके हुक्म तले भी लाऊंगा। सुंदर सा जी, छत्रसाल जी जो बोल रहे हैं ना, छत्रसाल जी ने 252 युद्ध लड़े, उसमें 52 युद्ध प्रमुख थे, मुख्य थे, और 252 युद्ध में अपनी विजय प्राप्त की। अभी बोल रहे हैं ना सब छत्रसाल जी के सबको, इतना नहीं, पूरे संसार में एक अक्षरातीत युगल स्वरूप के सीमा किसी और का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, सब खुदा ताला अल्लाह ताला के रूप में या इमाम मेहंदी के रूप में या एक अक्षराती सच्चिदानंद रूप में पहचानेंगे। और आगे बताया कि जब छत्रसाल जी के अंदर ये जोश देखा, ये बल देखा, तब श्री जी ने क्या किया कि हे छत्रसाल जी, तुम सच में महाराजा हो। और ओहो, समय हो गया, क्या करूं, चौपाई दोहरा दूं, यहां से प्रसंग भी बदलता है, तो ठीक है, चलो ये चौपाई दोहरा देंगे। चलो ये चौपाई यहां दोहरा देंगे, थोड़ा ये जो प्रसंग पूर्ण करके, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इन मोहम्मद के दिन में कोई ल्यावेगा ईमान छत्रसाल तीन पर तन मन धन कुर्बान। तो यहां छत्रसाल जी का जब ऐसा जोश देखा तो श्री जी ने क्या बख्शिश किया उसको, किसको, छत्रसाल जी को। तब क्यामतनामा ग्रंथ नहीं उतरा था, बड़ा क्यामतनामा जो छत्रसाल की छाप है वो नहीं उतरा था, लेकिन खुलासा ग्रंथ उतर चुका था, तब उसी नाम पे बख्शिश कर दिया। और आगे प्रसंग जो बदलता है उसमें ये हम कल लेंगे, तो यहाँ ये चौपाई दोहरा देंगे। तो यहाँ हम सुंदरसा जी इस प्रसंग के माध्यम से आज हमने क्या प्रबोध लिया कि छत्रसाल जी के अंदर की पहचान, और पहचान के बाद अपना जो समर्पण, अपना प्रेम धनी के प्रति और कुर्बानी, त्याग, और अंतिम अंदर का जोश देखा कि इन मुसलमानों का कोई डर ही नहीं है, धामधनी, बस लड़ेंगे। तो ये देख के हम भी सुंदरसा जी उसमें से सिखापन ले कि संसार के लोग भी एक वो जाहिरी मुसलमान थे, कर्मकांडी शरीयत को मानने वाले, सरातोरा को मानने वाले मुसलमान थे, लेकिन आज संसार में भी बहुत कर्मकांडी लोग और भी है। उसी को संदेश देने के लिए हमको भी इस संसार के सामने ये ज्ञान युद्ध करना पड़ेगा, तो हम आने वाले समय में तैयार रहे। इतना कहकर यह वाणी को विराम दे। बोलो श्री प्राणनाथ, चौपाई दोहराए, ये बात सुन राजा की, आप हुए खुशाल, जाहिर किया दिन को, बख्शी किताब हाल, बख्शी किताब हाल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।